स्टार्ट हो गया। तो बच्चों लास्ट टॉपिक क्या था, कोई मुझे बताएगा? पोजीशन टाइम रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड 2D मोशन। ओके 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 बस। सो नाउ द टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सो बेटा यही वो टॉपिक में आपसे मेरी बात है, किसके कई सारे पार्ट के द्वारा आपसे उनको दो दिन कर पाएंगे। तो हेडिंग डालिए प्रोजेक्टाइल मोशन। सो नाउ द क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्रोजेक्टाइल? पहले तो मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल, इफ यू नो, या जो भी आपको आइडिया हो यू कैन शेयर विद मी। यस आइडिया है किसी बच्चे को? हाँ तो बोलो या ना बोलो। कि किसी चीज को किसी एंगल में फेंकना। ओके बच्चों, ये जो इसने बात कही वो काफी हद तक सही बात है। व्हेन एवर वी थ्रो एनीथिंग इन स्पेस, सो दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। बस उसकी एक शर्त होती है, कंडीशन इज दैट द एंगल बाय विच यू थ्रो द बॉल शुड नॉट बी जीरो, सॉरी 90 डिग्री, शुड नॉट बी 90 डिग्री और जीरो। ये दो चीजें नहीं हो सकती, स्पेशली 90 डिग्री नहीं होनी चाहिए। सपोज ये हमारे पास एक थ्रो है, हम इसको थ्रो कैसे करें ऐसे, बट यदि आप इसको ऐसे थ्रो करते हैं ऊपर की तरफ 90 डिग्री पर, सो इट्स नॉट अ प्रोजेक्टाइल। व्हाई? बिकॉज दैट टाइम इट विल बी बिहेव लाइक वन डायमेंशनल मोशन, मतलब सीधा ऊपर गया तो सीधा नीचे आया, सो इट इज नॉट अ टू डायमेंशनल, बट इट इज प्रोजेक्टेड अदर देन 90 डिग्री। सो व्हाट हैपन, द एंगल शुड बी लाइक दैट, सो इट विल बी मूव दिस वन दिस दिस एंड कम बैक टू द सेम प्लेस। तो जब कभी हम किसी चीज को हवा में छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल जो एयर में है। शर्त फिर से कह रहा हूं कि द एंगल शुड प्रोजेक्शन एंगल शुड नॉट बी 90 डिग्री, सो दैट बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल एंड द मोशन ऑफ दैट बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। सो प्लीज लिखिएगा, इसको नोट कीजिएगा, एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट लॉन्च इन एन अर्बिट्री डायरेक्शन, एनी ऑब्जेक्ट लॉन्च इन एन अर्बिट्री डायरेक्शन इन स्पेस, स्पेस ब्रैकेट में लिखना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड नॉट बी 90 डिग्री, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड नॉट बी 90 डिग्री। ओके, एन ऑब्जेक्ट लॉन्च्ड इन एन आर्बिट्री डायरेक्शन इन स्पेस विथ
एंड इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी एंड देन अलाउड टू मूव अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी allowed to move under the influence of gravity alone is called projectile and such a motion And such a motion is called projectile motion. Okay. अब बच्चों यहां पर दो तरह के प्रोजेक्टाइल होंगे, एक को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बोलते हैं और एक को हम बोलते हैं ऑब्लिकली प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक। ओके, so first of all is if you throw a body at a height, मान लो बच्चों ध्यान देना कि ये एक पोल है, एक पिलर है जो जमीन पर, ठीक। अब यहां पर कोई हाई ऑब्जेक्ट और इसको आप ऐसे सीधा थ्रो करोगे, ऐसा सीधा क्या होगा? चलिए ऐसा जाएगा? नो, ये क्या हुआ? ये ऐसे 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 यहां आकर के उठ जाए। तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। और एक दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? इफ यू थ्रो अ बॉडी बाय एनी एंगल थीटा एंड स्पीड इज U. So, क्या होगा? ये ऐसे जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये और ये वापस। तो इसे कहते हैं ऑब्लिकली प्रोजेक्टाइल मोशन। पहले वाले में हाइट से थ्रो करते हैं तो बॉडी ऐसे जाते हैं, वो ऐसे धीमे से जाती है अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। और सेकंड वाले में हम लोग यहां से थ्रो करते हैं, ये तो ये ऐसा जाएगा, एक हाइट पकड़ेगा, मैक्सिमम हाइट पहुंचेगा एंड कम बैक वापस। ओके, उसे कहते हैं हम लोग सेकंड। सो आज हम लोग पहला शुरुआत करते हैं, तो हेडिंग होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। देखो बेटा, मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और आपने बॉडी को ऐसे थ्रो किया यहां से और आपने जो स्पीड दी है वो क्या हो जाएगी? इनिशियल स्पीड बनाएगी डी ओ, ठीक। और ये ऐसे नीचे की तरफ आएगी, राइट। ध्यान देना
यहां पर ये जो है ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मान लो मैंने ये पॉइंट पकड़ लिया, ये पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी पर क्या होने वाला है? तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट पर ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, इसे आप कहेंगे पी एक्स वाई, ये इसका कोऑर्डिनेशन हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया, सही है? ठीक है, ओके। यहां पर जब हम बात करते हैं ये इस जगह पर, अब आप देखो बेटा हर जगह पर दो दो स्पीड होंगी, एक अलोंग एक्स एक्सिस एक अलोंग वाई एक्सिस, दो एक्सेलरेशन होंगे अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर जगह पर अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब वो उसके लिए क्या होगा कि मान लो कि ये यहाँ आ गई बॉडी इस जगह पर, अब यहाँ से ये बॉडी है कैसे जाएगी सीधी, ये मैं इसको कर दूँ कि ए, ठीक है, ए स्पीड ये हो जाएगी, बी ये हो जाएगी स्पीड बी। ध्यान देना बेटा ये दोनों स्पीड कौन सी है, ये है इनिशियल स्पीड और ये कौन सी है फाइनल स्पीड। इस पॉइंट पी पर ये हेलो एक्स एक्सिस पे रिलेटिव एक्स एक्सिस से लिखेंगे डी वाई, ओ ये कैसे आया? अब मान लो कि ये ऐसे इन दोनों के बीच का रिलेटेंट आता है, यहाँ पर ये जो एंगल है इसे आपने अल्फा मान लिया, मान लो अब हमें इस पॉइंट पर आने तक उसकी स्पीड कितनी होगी, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, वो कितना डिस्टेंस एक्स में कवर कर रहा है, कितना वाई में कर रहा है। तो हमने आपको लिखाऊंगा अभी कि एक बॉडी है, हम जहां इसको जीरो स्पीड से अराउंड एक्स एक्सिस शो करते हैं, एंड आफ्टर टाइम टी इट रीच द पॉइंट पी वेयर द स्पीड ऑफ द बॉडी अराउंड एक्स एक्सिस इज vx, अराउंड वाई एक्सिस इज vy, एंड द एंगल बिटवीन देम इज अल्फा। ये सब मैं लिखाऊंगा आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज मेक दिस डायग्राम प्रॉपरली। आई थिंक हो गया होगा, तो प्लीज लिखिएगा, लेट लेट द पॉइंट फ्रॉम वेयर, लेट द पॉइंट फ्रॉम वेयर द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड, द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड सर, रिपीट कर दोगे एक बार? यस, लेट द पॉइंट फ्रॉम वेयर, लेट द पॉइंट फ्रॉम वेयर द प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड बी टेकन एज द ओरिजिन ओ, बी टेकन एज द ओरिजिन ओ ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस OX and OY, OX and OY, ठीक। आगे लेट V naught be the velocity of projection, let V naught be the velocity of projection
along OX. And projectile is reached at P after time small t. After time small t. Then बच्चों कोई भी एक मुझे अपना माइक ओपन करके बताएगा कि एक्स एक्सेस के लिए डिस्टेंस की इक्वेशन क्या होगी. फर्स्ट इक्वेशन किसी को याद है? तो भी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स पी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. राइट, एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू डी एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. सबको पता है ये एस इज इक्वल टू यू टू हाफ टी स्क्वायर में ये फॉर्म. बट डी एक्स कितना है पता भाई? डी एक्स कितना है? वो है वी ओ इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस. कितनी है वी ओ? ओके, ए एक्स कितना है? दैट इज जीरो. क्योंकि इस दिशा में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है. सो एक्स वो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? जीरो. यहां लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? दिस इज द पोजिशन यानी कि एक्स एक्स है. तो कितना एक्स आ गया? एक्स आ गया डी नॉट टी. सिमिलरली वाई इज इक्वल टू डी वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. एक्स के लिए अंदर वाई हो गया. ध्यान देना जी वाई कितना है? जीरो. इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस कितनी है? जीरो है. क्योंकि आपने बॉडी थ्रो की है वो ऐसे की है ना कि ऐसे की है, तो इसलिए इसका जो कंपोनेंट हुआ एक्स में वाई में वो जीरो होता है. और एक्स एक्सिस कितना है? वो है स्मॉल जी. ये देखो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस पर रहेगा जी. चूंकि नीचे आ रहे हैं तो प्लस जी होता, ऊपर जाएंगे तो माइनस जी हो जाएगा. मतलब इन दिस केस ये वाई कितना है? जी. तो पुट द वैल्यू हियर अगेन. सो वी है वाई इज इक्वल टू जीरो इंटू टी प्लस हाफ ए वाई यानी कि जी टी स्क्वायर. So y is equal to half g t square. Equation number 2. Okay. Y is equal to half g t square. और x is equal to v naught t. अब देखिएगा क्या करेंगे आप? इतना. Substitute the value of t. Substitute the value of t in equation second from first.
substitute the value of t in equation second from first. So y is equal to 1 upon 2 g. C g value kya aayega kaise? X upon g naught whole square. X y is equal to half g x upon g naught whole square. Okay. So now here y is equal to 1 upon 2 g upon v whole square into x square. बच्चो 1 upon 2 constant है, particular place पर g की value भी constant है, और आपको मैं पहले कह चुका हूँ initial velocity is always constant, क्योंकि वो तो एक बार थोड़ा बढ़ गया फिक्स हो गया वैसे नहीं है. तो दिस इज व्हाट, दिस इज कांस्टेंट. सो इन नेक्स्ट स्टेप यू कैन राइट लाइक दैट a x स्क्वायर वेयर वेयर a इज इक्वल टू g अपॉन v नॉट स्क्वायर where a is equal to g upon 2 v naught square. So r is given constant. फिर देखो ये इसको बेटा इक्वेशन थर्ड मान लो y is equal to a x square. ये मतलब मुझे बताओ आप में से कोई ये कौन सी इक्वेशन लिखी हुई है, किसी को पता है मैथमेटिक्स में? एनीवन? जैसा सर ये स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन है. यस इट इज बहुत सिंपल फॉरवर्ड. ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. जब कहीं भी ये आ जाता है इसका मतलब क्या है कि जो आपने किया है वो क्या है, वो स्ट्रेट लाइन है. वैसे ही बच्चों ये पैराबोला की इक्वेशन है. यू नो पैराबोला इट्स नॉट like a elliptical path. So it is the equation of parabola. इसका मतलब क्या हुआ? If it is parabola equation, that means the path followed by the projectile will be parabolic. So लिखिएगा equation third represents parabola symmetry. Equation third represents parabolic equation. Hence, the projectile follows. Hence, the projectile follows a parabolic trajectory. Parabolic trajectory. ठीक. बेटा, क्वेश्चन ये आ गया. Prove that projectile body having parabolic path. तो आपको बस यही आके छोड़ देना है, काम खत्म हो गया. काम खत्म. Y is equal to a x square लिखेंगे, इसे लिखेंगे this is the equation of parabolic. Hence that's why it's proved that it has a parabolic path. Okay. अब second part इसी का. मैं कहा बहुत सारे part होंगे. इस जगह पर स्पीड कितनी होगी पॉइंट पी पर? तो आप कहने से सिंपल तरीका ये है
स्पीड निकालो अलग अलग एक्स एक्सिस से, निकालो वाई एक्सिस, दोनों को जोड़ के तो निकल जाएगी थर्ड। तो लिखिएगा इफ वेक्टर जी, इफ वेक्टर जी, वेक्टर जी इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल if vector v is the velocity of the projectile at a point p on the trajectory, then vector v is equal to vector vx plus vector v bar. Okay, or v is equal to under root v x square plus v y square, equation number 4. Equation number 4. Now Vx is equal to कितना होता है? Vox plus Axp, याद आ गया क्या? यह है V is equal to U plus At. तो यहाँ पर Vx यानी कि final velocity along the x-axis, V not x मतलब initial velocity along x-axis, Ax पता ही है। बट वी नॉट एक्स कितना है? आपको जीरो, कितना जाएगा? वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट प्लस जीरो इज इक्वल टू जी नॉट, यानी कि अराउंड एक्स एक्सिस स्पीड भी बदली, जितनी स्टार्टिंग में थी उतनी यहाँ पर है, होनी भी थी, क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन जीरो है, और जब आपको पता है कि एक्सेलरेशन जीरो होता है तो स्पीड यूनिफॉर्म होती है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए v बाय इज इक्वल टू v नॉट o बाय प्लस a बाय t, v bar is equal to v not bar plus a by t, where v not bar कितना है? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितनी है? जीरो है ये, और a by t कितना है? जी, पहले मैं लिख चुका हूँ, a by t कितना है? जी, रखो वैल्यू कितना रहेगा? v bar is equal to जीरो plus g into t, तो कितना आएगा अपने को? v बाय इज इक्वल टू dt। सो नाउ द टोटल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट p इज v इज इक्वल टू अंडर रूट v x square कितना होता है? ये लिखा हुआ है g not square, और v y कितना है? ये क्या हुआ है? तो g square t square, v square t square, equation number 5। तो आपको क्या मालूम पड़ गया कि इसकी velocity कितनी होगी? ठीक है, ओके। नाउ हम यहां पर ये एंगल भी निकाल सकते हैं, ये स्पीड होगी। आप देख सकते हो कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा स्पीड बढ़ती जाएगी, यानी कि जो बॉडी जितना दूर ऊपर से नीचे आएगी उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी।
आगे देखिए, इफ वेक्टर वी, इफ वेक्टर वी यानी कि फायर वेलोसिटी मेक्स एन एंगल अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल, विथ हॉरिजॉन्टल देन tan alpha is equal to what? tan alpha, ये देखो, ये तो perpendicular base, ये कितना v by, तो v by upon vx, v by upon vx, okay. So tan alpha is equal to v by कितना है? gt, और vx कितना है? vo. So ये इससे आपने इसका एंगल भी निकाल दिया, इससे आपने इसका एंगल भी निकाल लिया, ठीक है? बच्चों ध्यान देना इसमें आप कि मुझे उम्मीद है कि पूरा हो गया होगा, ध्यान देना बेटा इसमें क्या होना है। अभी इसमें ये होना है कि आपने देखा कि एक प्रोजेक्टर बॉडी को लेके आ रही है तो किसी पॉइंट पर उसकी स्पीड कितनी आ गई, कौन सा एंगल बनता है, एंगल की वैल्यू कितनी है। कल हम ये देखेंगे कि उसको इस पॉइंट पी तक आने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, कितना टाइम लगता है ये वो देखना है, उसे बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बाद फिर ये जो छोटा बच्चा है, छोटा वाला है, फिर इसके बाद शुरू होगा अपना नया वाला जिसमें कि कंप्लीट होगा। तो आप देख सकते होंगे जो छोटा वाला है अभी ये पूरा नहीं हो पाया, इसको भी अभी टाइम लगेगा, कल तक ही पूरा हो पाएगा, है ना। फिर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वाला, से हम लोग बोलेंगे ऑब्लिकली प्रोजेक्टाइल, ओके, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका आज का, है ना, तो बस इतना ही आज अपने पढ़ना था। और इसमें कोई डाउट हो बेटा किसी बच्चे को पूछ सकता है, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है। क्या ये मैं मानूं कि आप कोई डाउट नहीं है? क्या हुआ, बोलते ही नहीं, बोलते ही नहीं, कुछ तो बोलो भाई। हाँ ना है? कोई नहीं बोलेगा? साइड ऑन कर लूं क्या? अच्छा मोहित जी, भी समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों को मेरी बात सुनाई भी दे रही है कि नहीं दे रही है। सो इतना तो बोल दो कोई भी एक। नेहा सर आ रही है, दे रही है सर, आ रही है। कैसा करते हो, ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं बिल्कुल अकेला बैठा हूं बिरयानी में,
समझ लो मुझे कितना वो करते हैं परेशान, है ना। तो गरीब मास्टरों को ऐसा निकल जाए परेशान, आ लगेगी। मैं पूछ रहा हूँ, कोई अपने कुछ बता दो, कुछ बोल ही नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। एनी वे सो इट्स नॉट नो प्रॉब्लम, हम लोग कल आगे पढ़ेंगे, तब तक फ्री साइड हम।